वेलकम टू डिजिहन। पश्चिम बंगाल की कोकिला यानी रानू मंडल ने अपनी सुरीली आवाज से बॉलीवुड कलाकारों का दिल जीत लिया है। उनके टैलेंट से प्रभावित होकर बॉलीवुड एक्टर और सिंगर हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में गाना गाने का भी मौका दिया है। इसके साथ ही खबर आ रही थी कि बॉलीवुड के दिग्गज सलमान खान भी रानू मंडल के गाने से इम्प्रेस हुए हैं। इससे खुश होकर उन्होंने रानू मंडल को 55 लाख का घर और अपकमिंग फिल्म दबंग 3 में गाना गाने का मौका दिया है। हालांकि अब इस बात का खुलासा हो गया है क्योंकि खुद रानू मंडल के मैनेजर ने इस बात के पीछे की सच्चाई बताई है। रानू मंडल ने अपना मैनेजर उसी शख्स को बनाया है जिसने सबसे पहले रानू की वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। रानू मंडल का मैनेजर का नाम है अतिंदर। रानू मंडल के मैनेजर अतिंदर चक्रवर्ती ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, यह खबर झूठ है। इन अफवाहों के फैलने के बाद मेरे पास भी कई कॉल आनी शुरू हो गई थी। उन्हें किसी तरह का घर नहीं दिया गया है। जो घर उनके लिए बनवाया गया है वह राणा घाट प्रशासन की तरफ से दिया गया है, जिस चैनल ने उन्हें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लाइव परफॉर्मेंस करने का मौका दिया है। उसने ही उन्हें आधार कार्ड बनवाने में मदद की है। इसके अलावा रानू मंडल के मैनेजर अतिंदर चक्रवर्ती ने आगे बताया कि रानू मंडल पर अब बॉलीवुड, बंगाली और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर की बरसात हो रही है। कुछ ही दिनों पहले हमें एआर रहमान के ऑफिस से भी कॉल आई थी। यहाँ तक कि खुद सोनू निगम भी रानू मंडल के साथ काम करने में रुचि दिखा रहे थे। इसलिए इन दिनों हम इन ऑफर्स पर पूरा ध्यान लगा रहे हैं। अतिंदर चक्रवर्ती के अलावा खुद रानू मंडल ने भी इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग मेरे ऊपर अपना प्यार बरसा रहे हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं। मैं अपना सारा काम अतिंदर को संभालने के लिए दे रही हूँ। इस उम्र में मेरे लिए यह सब समझना काफ़ी मुश्किल है। इस समय तो मेरे पास फ़ोन तक नहीं है, ऐसे में वो मुझे हर चीज़ सिखा रहे हैं। वह मेरे बेटे जैसे ही हैं। बॉलीवुड से जुड़ी सभी दिलचस्प खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।